हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या सच में आप पॉन्ड्स पाउडर को यूज़ करने से बहुत ही काले से बहुत ही कोरे हो जाते हैं? अगर आपका कलर कोयले जैसा काला है तो इसको यूज़ करने से क्या सच में आपका कलर दूध जैसा कोरा हो जाता है? सो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। एंड यस गाइस, आज की वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो आपने मुझसे मेरी लास्ट वीडियो में पूछे थे। आप लोग जानना चाह रहे थे कि इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, कितने टाइम तक इसको अप्लाई करना है, कितने साल के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आपके सवाल आए थे, उन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। एंड गाइस, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो प्लीज़ 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 आप ये पूरा वीडियो देखिए। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आधा अधूरा वीडियो देख के आधी अधूरी नॉलेज लेके चले जाते हैं और फिर अपनी स्किन को कर लेते हैं डैमेज। सो गाइस, क्या सच में पॉन्ड्स पाउडर को यूज़ करने से आप बहुत ही काले से बहुत ही गोरे हो जाते हैं? क्या रोज़ वाटर में इसको ऐड करने से आपके फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है? अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा अपने फेस पे अप्लाई। सो आपको नहीं करना है, मुझे करना है, आप लोग मत कीजिए क्योंकि हो सकता है ये सेफ ना हो। हो सकता है इसको यूज़ करने के बाद आपके फेस पे पिंपल, रिंकल, एक्ने, फाइन लाइंस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएं। सो आप लोग बस बैठ के देखिए और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम बनाते हैं इसका फेस पैक, जैसे वायरल वीडियोस में बोला जाता है। सो सबसे पहले फेस पैक बनाने के लिए आपको लेना है पॉन्ड्स पाउडर, उसमें आपको ऐड करना है रोज़ वाटर और उसको करना है अच्छे से मिक्स। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आपको करना है इसे अपने फेस पे अप्लाई। सो चलिए अप्लाई करते हैं। गाइस चलिए अप्लाई करते हैं। एंड अप्लाई करने से पहले आपके फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, मैंने लाइनर और लिपस्टिक लगाया है बस। सो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि आपको डिफरेंस दिख सके। हल्की हल्की सी मुझे इचिंग हो रही है। अरे यार, दैट्स इट गाइज, मैं इतना ही अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी इचिंग जैसी होना स्टार्ट हो गई है। अब वेट करते हैं जल्दी से ये ड्राई हो जाए। इसको लगा के सच में आपको जलन जैसा फील होगा। अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे तो आपको डेफिनेटली जलन होगी क्योंकि मुझे सच में जलन हो रही है। सो गाइस, मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ये ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूँ और फिर हम देखेंगे क्या सच में इसको लगाने से स्किन पे ग्लो आया है, क्या स्किन लाइट ब्राइट गोरी हुई है या नहीं। सो जल्दी से ये ड्राई हो जाए क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी जलन हो रही है फेस पे। सो गाइस, इसको अप्लाई किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ड्राई हो गया है। सो अभी मैं इसको रिमूव करूंगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने जस्ट आपके सामने इसको वाइप किया है और मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है। एंड आप देख सकते हैं कोई अंतर मेरे दोनों गालों में नहीं आया है। जैसा कलर इसका है वैसा ही इसका भी है। सो आप देख सकते हैं कोई ग्लो, कोई शाइन मेरे फेस पे नहीं आई है। हो सकता है आपको 1% ग्लो शाइन लग रहा हो तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये वाइट कलर का होता है। सो अभी मैंने फेस वॉश नहीं किया है और अगर हो सकता है क्योंकि वाइट कलर का है तो फेस पर हल्का फुल्का रह गया है,
तो फेस वॉश करने के बाद वो भी नहीं रहेगा। तो गाइज आई जस्ट होप आप इतने में ही ये समझ गए होंगे कि पॉन्ड्स पाउडर को यूज़ करने से कोई काले से गोरा नहीं हो सकता है। पता नहीं क्यों आप लोग ऐसी चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं, आप ऐसे वीडियोस देखते हैं फिर उन्हें फॉलो करते हैं, अपने फेस पे इस तरीके की चीज़ें अप्लाई करते हैं जो आपके फेस को बुरी तरीके से डैमेज कर देती हैं। गाइस आप लोग खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या कोई पाउडर यूज़ करने से आप काले से गोरे हो सकते हैं? जी नहीं। सो गाइस इन शॉर्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप पॉन्ड्स पाउडर में कुछ भी ऐड करके यूज़ कर लीजिए, आप काले से गोरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाउडर आपको काले से गोरा करने के लिए बना ही नहीं है। अगर आप सच में अपनी स्किन का कलर 1 से 2 शेड लाइट करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी होम रेमेडीज DIY हैं जिनको फॉलो करके आप थोड़ा बहुत अपना कलर लाइट ब्राइट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप बहुत ही काले से बहुत ही गोरे हो जाएं, तो जी नहीं, आई एम रियली सॉरी आपका दिल तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एंड गाइस एक्चुअली होता क्या है कि ना, जब आप न्यूली बॉर्न होते हैं तो आपका कलर लाइट ब्राइट होता है, फेयर होता है, और वो धीरे धीरे से धूल धूप की वजह से कहीं छुप जाता है, कहीं खोसा जाता है, तो आप उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आप बहुत काले हैं और बहुत गोरे हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, अब से आपने वही अपने फेस पे अप्लाई करना है जो आपके फेस के लिए बना है। आपको ऐसा कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है जो आपके फेस के लिए बना ही नहीं है। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आप मेरे काम को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आती रहूँगी। सो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।